सच्चे हुसैनी हो, अल्लाह अल्लाह इन मसनूई करबलों में नहीं जाना है, इन मसनूई मेलों में नहीं जाना है, बल्कि जब तक मुहर्रम आए पूरी बस्ती मेले में जाए, तुझे मस्जिद में जाना है, अपने सर को सजदे में झुकाना है और रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करना है, मौला जो सजदा तेरे हुसैन ने बचाया था वही सजदा मैं अदा कर रहा हूँ, तेरी ये पोजीशन हो गई, तेरा 10 मुहर्रम कामयाब हो गया। नारे तकबीर, जिक्रे शहदाए करबला, जिक्रे शहदाए करबला, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत खूब माशाल्लाह। मुझे ये मालूम नहीं कि आपकी बस्ती में ढोल ताशे होते या नहीं होते, बाखुदा मैं नहीं जानता हूँ, अल्लाह अकबर कबीला, लेकिन याद रखो अल्लाह अल्लाह, हो सकता है सुबह को बातें बने कि सैयद साहब ये कह गए, सैयद साहब ये कह गए, सैयद साहब ये कह गए, लेकिन जो कहता हूँ हक कहता हूँ, डरता किसी से नहीं हूँ, मोहब्बत सबसे रखता हूँ, दिल से मोहब्बत रखता हूँ, किसी की चापलोसी भी नहीं करता हूँ, इसलिए दिल से कदर करता हूँ, लेकिन मेरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, आपको सही नक्शा सही मियार आपके सामने पेश करके जाऊँ। अगर आप मुझसे अकीदत मोहब्बत रखते हो तो ये नहीं है कि जो करो वो सब ठीक है, नहीं नहीं हरगिज नहीं है, अगर ढोल बजाने सही होता तो सबसे पहले मैं ढोल बजाता, अगर ताशे बजाने सही होते तो सबसे पहले मैं ताशे बजाता, अगर बहन बेटियों का करबला इन मसनूई करबला, रे करबला नहीं है ये तो अल्लाह ऊपर आफत है, ये मेले हैं मेले जहां पर शैतान नंगा नाचना चाहता है, अल्लाह अल्लाह ये मसनूई करबलों को करबला कहते हो, करबला कहते हो, जहां चाहो वहां करबला बना लो, अल्लाह ऊपर कबीरा, अगर तुम्हारे हाथ में आ जाए तो मक्का भी घर बना लो कि वहीं तवाफ कर लो, हज हो जाए, यार भाई ये कैसी करबला है मेरी समझ में नहीं आ रही है, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह, नबी के नवासे ने मदीना को छोड़ा, मक्का को छोड़ा, अल्लाह अल्लाह, उनके एक भाई इमाम हसन को जहर दिया गया, अल्लाह अकबर कबीरा, आपने सुना है ना, जहर दिया गया, जिस जहर से आपकी आंतें और आपका कलेजा शैतान को भी, अल्लाह अकबर कबीरा, आका इमाम हसन को जब जहर दिया गया ना, तकरीबन 5-6 मरतबा जहर दिया गया, जब लास्ट वाला खतरनाक जहर दिया गया ना, अल्लाह अल्लाह, आपकी आंतें आपका कलेजा खून की उल्टियों के साथ, अल्लाह अकबर, 100-100 टुकड़े आंतों के बाहर आते थे, पूरे के पूरे तबाक पर जाते थे, आप शहीद हो गए, आपकी अल्लाह अकबर कबीरा, आपके नवासे को आपके पहलू में दफन नहीं होने दिया गया, कितने जुल्म उमरवानियों ने किए हैं, कितने जुल्म इक्तदार ने किए हैं, लेकिन उनका एक एक कतरा आज भी तुम्हें ये पैगाम देता है, कभी इस हाथ का सौदा मत करना, कभी शरीयत का सौदा मत करना, कभी दीन का सौदा मत करना, गर्दन कटा देना लेकिन कभी गर्दन झुकानी नहीं है, कभी हाथ का सौदा नहीं करना, इन मस्जिदों को पामाल नहीं करना, इनको आबाद करना है, यही हुसैनियत है, यही सच्ची पक्का ईमान है, अल्लाह अल्लाह। अब आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला करबला के मैदान में गए, आपने सबको सुन रखा है, लेकिन कुछ बातें मैं आपको वो सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपने ना सुनी हो, सुन भी ली हो लेकिन शायद ना सुनी हो, अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में जिस दिन शहीद हुए ना, अल्लाह अल्लाह, हम तो उस वक्त नहीं थे, हमने कहा आसमान के चांद आसमान के सूरज तू बता तेरी क्या पोजीशन थी, अल्लाह अल्लाह। तो तारीखों में लिखा है कि 10 मुहर्रमुल हराम को दिन में ही अल्लाह अल्लाह आसमान का बादल इतना तारीख हो गया, इतना तारीख हो गया कि दिन में ही तारे नज़र आने लगे, दिन में तारे दिखने लगे, अल्लाह अकबर कबीरा, पूरी ज़मीन सुर्ख हो गई, पूरी ज़मीन खून से लथपथ थी, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह बैतुल मक़दिस के अंदर जितने पत्थर लगे रखे थे, जिस पत्थर को उठाते थे उस पत्थर के नीचे खून नजर आता था, अल्लाह अल्लाह। एक कहते हैं अल्लाह अकबर, जब हमने अपने घरों में बर्तन देखे ना तो सारे बर्तनों में खून नजर आते थे, पूरी दुनिया के बर्तनों में खून नजर आता था, अल्लाह अल्लाह। इसलिए करबला के तपते हुए मैदान में आज नवासे रसूल का खून बहा है, इन जालिमों ने नवासे रसूल को शहीद किया है, अल्लाह अल्लाह। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने ख्वाब देखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, परेशान है आप दीदा हैं, आपके हाथ में एक शीशी है, उस शीशी में खून भरा हुआ है। मैंने अर्ज किया रसूल अल्लाह आपके हाथ में ये शीशी कैसी है, आप कैसे परेशान हैं, या रसूल आपके केसू मुबारक बिखरे हुए हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा होकर आंखों में आंसू लाकर इरशाद फरमाया, ये जो तुम शीशी देख रहे हो ना, आज मैं सुबह से करबला के मैदान में हूँ और अपने घर वालों का और घर वालों के चानिसारों के खून को इस शीशी में जमा कर रहा हूँ। मदीने वाले मुस्तफ़ा आज करबला के मैदान में मौजूद, सैयदा फातिमा ज़हरा करबला के मैदान में मौजूद, अल्लाह अल्लाह। आसमान रो रहा है, बादल रो रहे हैं, ज़मीन का खित्ता खित्ता रो रहा है, जन्नती
हूरे रो रही हैं, गिलमान रो रहे हैं, अल्लाह अल्लाह दुनिया के सारे परिंदे रो रहे हैं, सारे परिंदे रो रहे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा नोहाबाजी कर रहे हैं। हद तो ये है, अल्लाह अल्लाह। एक परिंदा ये कहता है अल्लाह अकबर कबीरा। एक यहूदी था उसी दौर में, उस यहूदी की एक लड़की थी जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी लेकिन अचानक आंखों से नाबीना हो गई थी। और एक दिन उस पर ऐसी बीमारी लाहिक हुई कि उसके हाथ पैरों पर कोढ़ का मर्ज आ गया। जब लोगों ने उसको परेशान करना शुरू किया, लोग उसको नफरत की निगाहों से देखने लगे, उसने वो शहर छोड़कर शहर से बाहर एक जंगल में रहने लगा। एक दरख्त के नीचे उसने अपना पड़ाव डाल लिया। अब ये यहूदी शख्स अपनी लड़की को लेकर अल्लाह अल्लाह उस दरख्त के नीचे रहता था। जैसे ही दिन का उजाला फैलता था शहर में आता था, मजदूरी करता था, रात को वापस, शाम को अपने घर चला जाता था, रात अपनी बच्ची के साथ, बेटी के साथ बसर करता था। एक दिन ये शहर में आया, इसको काम में मसरूफियत ज्यादा बढ़ गई, इसको काम लग गया, लेकिन रात में अल्लाह अल्लाह ये रात में अपने घर को वापस ना जा सका। इसकी बेटी अल्लाह अकबर जो आंखों से नाबीना थी, इसको दिख नहीं सकता था, हाथ पैरों से अपाहिज थी, कोढ़ की मरीजा थी, बकैनिया के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर तुम्हारे जिस्मों में गोश्त का लोथड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो जरूर जमीरों में इंकलाब पैदा होगा और आज के जलसे से सच्चे पक्के हुसैनी बन के उठोगे। अल्लाह 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 अकबर। ये यहूदी शाम को वापस ना आ सका। अब इसकी अल्लाह अल्लाह, एक जो लड़की जंगल में रहती थी, जो एक दरख्त के नीचे पड़ाव डाले हुई थी, इसने क्या सुना, अचानक एक परिंदे के रोने की आवाज आ रही है। परिंदा बड़े गमनाक से रो रहा है, गिरियाबाजारी कर रहा है, अल्लाह अल्लाह नोहबाजी कर रहा है। इससे रुका नहीं गया ये, अल्लाह अकबर अपने बाप की तलाश में वहां से निकली और एक दरख्त के नीचे गई। दरख्त के नीचे जब गई तो इसने पहचान लिया, इसी दरख्त के ऊपर शाख पर बैठकर एक परिंदा रो रहा है, अल्लाह अल्लाह, जो गिरियाबाजारी कर रहा है, जो दर्द भरी आवाज में रो रहा है। इसका ऐसा लगता है जिसका पूरा खानदान तबाह बर्बाद हो गया, जिसको बहुत बड़ा गम लाहिक हो गया हो। मुझे बताओ, क्या तुम परिंदों की आवाजों को सुन सकते हो? क्या परिंदे की आवाजों को पहचान सकते हो? क्या तुम उसको रोता हुआ देख सकते हो? अल्लाह अकबर। इसकी बेटी ने जब अपनी नजर ऊपर को की, खून का अल्लाह अल्लाह, वो परिंदा तकरीबन कबूतर था, उसको फड़फड़ाया, उसके परों से खून का कतरा निकल कर इसकी आंख में पड़ा। जैसे ही वो कतरा इसकी आंख में पड़ता है, फौरन इसको उस आंख से दिखने लगा, सुभान अल्लाह बोलिए, फौरन उसके आंख से दिखने लगा, ये कौन सा ड्रॉप डाल दिया, ये कौन सी बूंद है, ये खून की बूंद है, अल्लाह अल्लाह। अब इसने अपना एक हाथ ऊपर को किया, अब हाथ पे जैसे ही खून के कतरे पड़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस खून की बरकत से इसका कोढ़ भी दूर कर दिया। अब इसने अपनी दूसरी आंख को ऊपर किया, जैसे ही दूसरी आंख को ऊपर किया, एक कतरा फिर गिरता है, वो उसकी दूसरी आंख में पड़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी दूसरी आंख की बिनाई को भी वापस कर दिया, अल्लाह अल्लाह। इसने इस तरीके से अपने हाथों में खून के कतरात लिए, कतरात लेने के बाद इसने अपने जिस्म पे मल लिया, अपने हाथ पैरों पर मल लिया, जैसे ही खून के कतरात हाथ पैरों पर मलना था, इसका मर्ज दूर हो गया, इसका अंधापन दूर हो गया। अब यह हुस्न व जमाल की का बन गई, ये बहुत खूबसूरत हो गई, अपने बाप की तलाश में जा रही थी, रास्ते में इसका बाप मिल गया, इसके बाप इसको पहचान ना सका, एक अजनबी खातून समझकर इससे कहने लगा, मेरी बेटी नाबीना है, मैं रात को घर वापस नहीं आ सका, लेकिन अब मैंने जाकर देखा है तो उस दरख्त के नीचे मेरे पड़ाव में मेरी बेटी नहीं है, क्या तुमने मेरी बेटी कहीं पर देखी है? क्या तुम्हें कहीं मेरी बेटी नजर आई है? अगर तुम्हें मेरी बेटी का पता हो, उसे आंखों से नहीं दिखता है, तो मुझे बता दीजिए। इसकी बेटी ने कहा, ए अब्बा, मैं ही आपकी बेटी हूं, मैं ही आपकी बेटी हूं, मैं ही आपकी बेटी हूं। बाप कहने लगा, जब मैं तुझे छोड़ के गया था, तुझे आंखों से नहीं दिखता था, तू बस सूरत हो चुकी थी, तेरे हाथ पैरों में कोढ़ आ गया था, ये बता तेरी बिनाई वापस कैसे हो गई? अल्लाह अल्लाह, इतना खूबसूरत हुस्न व जमाल का अल्लाह अल्लाह मल का देखकर इसका बाप बेहोश हो गया। कुछ देर के बाद जब उठा तो अपनी बेटी से पूछने लगा, मुझे बता भी तो दे कौन सा मैजिक हुआ है, मुझे बता भी तो दे कौन सी ऐसी बात हुई है जो तेरा कोढ़ भी खत्म हो गया, तेरी आंखों की बिनाई भी वापस आ गई। अल्लाह अल्लाह, इसने पूरा किस्सा सुना और कहने लगा, ये यहूदी शख्स मुझे उस दरख्त के नीचे ले चल, अल्लाह अल्लाह। जब ये यहूदी उस दरख्त के नीचे गया तो वो परिंदा भी सारों कतार रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, गिरियाबाजारी कर रहा था। इस यहूदी ने कहे, परिंदे ये तो बता, तुझे कौन सा गम लाहिक हुआ है? ए परिंदे, ये बता तुझे कौन सी परेशानी है जो इस कदर रो रहा है, इतने तकलीफ के साथ और दर्द के साथ रो रहा है? तेरी आवाज को सुन के तो पत्थर दिल भी रो जाएंगे, पता तो दे तुझे कौन सा गम लाहिक हुआ है, अल्लाह अल्लाह, कौन सा दर्द आलम, कौन सी मुसीबत तुझ पे आ पड़ी है? अल्लाह अकबर कबीरा। परिंदा बोलता नहीं है, उसके उसमें बोलने की सलाहियत नहीं होती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ए परिंदे तू बोल नहीं सकता है, लेकिन आज आज तुझसे एक यहूदी ने सवाल किया है, मैं तुझे कुव्वत गोयाई अता करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको बोलने की सलाहियत दी, परिंदा बोलने लगा और कहने लगा, ए यहूदी, सुन ले, वाकया इस तरह है, हम एक जंगल में, पूरा खानदान हमारा परिंदों को रहा करता था, हम दिन में
अपने आशियानों से घोंसलों से निकलते थे, निकलने के बाद हम जंगल में जाते थे, दाना चरते थे, उसके बाद हम एक दूसरे से मिलते थे, अपने अपने आशियानों में चले जाते थे। एक दिन हमने गैब से आवाज़ सुनी, निदा आई, ए परिंदो तुम दाना चरने में लगे हो, तुम अपनी भूख मिटाने में लगे हो, तुम अपने पेट भरने में लगे हो। वहाँ करबला के मैदान में नवासे रसूल को शहीद किया जा रहा है, अल्लाह अल्लाह खून हुसैन से होली खेली जा रही है। तुम कैसे परिंदे हो, तुम अपने खाने में लगे हुए हो, तुम अपने पीने में लगे हुए हो। परिंदा कहता है, जब हमने इतना सुना, हमने अपने आशियानों को छोड़ दिया, हमने अपने बच्चों को छोड़ दिया, हमने अपने खाने को छोड़ दिया, हम फौरन प्रवास करते हुए मैदान करबला में पहुंच गए। जैसे ही मैदान करबला में पहुंचे, हमने देखा जब तक आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के गर्दन पर तलवार चलाई जा चुकी थी, आपकी गर्दन को तन से जुदा किया जा सका था। अल्लाह अल्लाह, हमने देखा दिन में तारे निकल रहे थे, आसमान से रोने की आवाजें आ रही थी, इतना खौफनाक खतरनाक मंजर हो गया था। दुनिया का हर कलेजा रो रहा था, दुनिया की हर एक आंख में आंसू था। अल्लाह अल्लाह, जब हमने इस मंजर को देखा, हमसे रहा नहीं गया और हम माजरत चाहने लगे। हम नीचे को आए, नीचे को आने के बाद हम लाशे मुबारक आका इमाम हुसैन से लिपट लिपट कर रोने लगे और अर्ज करने लगे, हुजूर हमें आने में देर हो गई, अगर हम पहले आ जाते तो पहले तलवार हम पे चलती, बाद में आप पे चलती। ये कौन कह रहा है? ये कोई इंसान नहीं कह रहा है, हुसैनी परिंदा, हुसैनी कबूतर कह रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, उसके आगे क्या होता है? वो परिंदा कबूतर कहता है, अल्लाह अल्लाह, हम लाशे मुबारक अल्लाह अल्लाह का इमाम हुसैन से लिपट कर रोने लगे। जब हमारे उड़ने का वक्त आया ना, हमने अपने परों को आपके खून में भिगो दिया, हमने अपने परों में आपका खून ले लिया और हम इन परों को लेकर प्रवास करती, और मैं आज जो रो रहा हूँ इस गमे हुसैन में रो रहा हूँ। इसलिए नवासे रसूल को शहीद किया गया है, और शहीद करने वाले वो हैं जो कलमा पढ़ने वाले हैं, शहीद करने वाले वो हैं जिनके चेहरों पे ताड़ियां हैं, शहीद करने वाले वो हैं जिनके नाना का कलमा पढ़ते हैं और उनके नाना के दीन को फॉलो करते हैं, लेकिन मफाद की पट्टी मसलिहत की जंजीर इनके पैरों में पड़ चुकी है, इन ये अंधे हो चुके हैं, इनका दिल भी अंधा हो चुका है। अल्लाह अल्लाह, और कहने लगे, जो तेरी बेटी को बिनाई मिली है इसमें मेरा कमाल नहीं, ये तो खूने हुसैन का कमाल है, एक कतरा तेरी बेटी की आंख में गिरा है, अल्लाह ने उसको बिनाई अता कर दी है। अल्लाह अल्लाह, तेरी बेटी के जो हाथ पर सही सलामत हो गए, कोढ़ दूर हो गया, इसमें मेरा कमाल नहीं, ये खूने हुसैन का कमाल है, खूने हुसैन के कतरे जहां जहां जाते हैं, इसलिए इस हुसैन का खमीर तैयार है खैरुर रसूल के खमीर से, इसलिए उस हुसैन का जो खून है ये खून मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का खून है। अल्लाह अल्लाह, इसमें मेरा कमाल नहीं, ये जो तेरी बेटी अच्छी हो गई है ये खून हुसैन का कमाल है। जब यहूदी ने इतना देखा, यहूदी सारों कतार रोने लगा और सोचने पे मजबूर हो गया और कहने लगा, अरे जिस नबी के नवासे के खून का आलम ये है, जिस जगह पर पड़ जाए, अगर पीना है तो नाबीना है तो वो बीना हो जाए, अगर मरज में मुब्तला है तो शिफायाब हो जाए, उसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाए। तो कहने लगा, अरे जिस नबी के नवासे का ये आलम है, वो नबी झूठा नहीं हो सकता, उसका दीन झूठा नहीं हो सकता, उसका कुरान झूठा नहीं हो सकता, उसकी हदीस झूठी नहीं हो सकती। वो यहूदी कहने लगा, ए कबूतर, आज नवासे रसूल दुनिया में मौजूद नहीं है, उनको शहीद कर दिया गया है, लेकिन आज मैं तुझे गवाह बनाकर और खूने रसूल और खूने हुसैन का गवाह बनाकर कलमा पढ़ रहा हूँ, और जब हश्र का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, यजीदियों को खड़ा किया जाएगा, फिर मेरा रब इरशाद फरमाएगा, हुसैनियों को बुलाया जाए तो मैं भी वहां पर मौजूद होगा, और ए परिंदे मेरी गवाही तू देना, इसलिए मैं खूने हुसैन को देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूँ। आका ने इरशाद फरमाया था, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, तफसीर उसकी यही है। जब तक मैं दुनिया में वो तबलीग करूंगा, आपको तकरीर करूंगा, हो सकता है मेरी तकरीर किसी के दिल पे असर कर जाए, हो सकता है मेरी बात सुनकर कोई तौबा कर ले, हो सकता है कोई मेरी बात सुनकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। जनाब मौलाना अब्दुल कादिर तकरीर करेंगे, तो जब तक गर्दन तन से लगी हुई है तकरीर करेंगे, नसीहत करेंगे, लेकिन जिस दिन इस दुनिया से चला गया, कोई तबलीग नहीं होगी, कोई तकरीर नहीं होगी। इसलिए इस्लाम फैलाया जाता जब तक दुनिया में हो। आका ने इरशाद फरमाया, मेरा बेटा हुसैन वो है, जब तक दुनिया
दुनिया में रहेगा, इस्लाम फैलाएगा, उसकी गर्दन कट जाएगी, लेकिन उसके खून को देखकर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान होते चले जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शुहदाए करबला, जिक्रे शुहदाए करबला, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत, माशाल्लाह जिंदाबाद। आप सच्चे पक्के हुसैनी हो यार, कैसे हुसैनी हो, गमे हुसैन में कभी तुम्हें रोना नहीं आता, तुम्हारे घर पे थोड़ी सी परेशानी आ जाए अहो भूखा करने लगते हो, लेकिन कैसे हुसैनी हो ये बताओ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते, तुम्हारा दिल नरम क्यों नहीं होता। अल्लाह अकबर कबीरा, एक परिंदा कबूतर है, कबूतर है वो गमे हुसैन में रो रहा है। अल्लाह अल्लाह किताबों में लिखा है सुर्ख कबूतरों की जितनी भी नस्लें हैं ना, ये उसी कबूतर की नस्ल चली आ रही है। कैसा कबूतर है, कैसा कबूतर है, गमे हुसैन में रो लिया, अल्लाह ने उसके को हमेशा जिंदा कर दिया, अल्लाह ने उसके नाम को हमेशा जिंदा कर दिया, उसके काम को जिंदा कर दिया। अल्लाह अल्लाह गमे हुसैन में रोना वाजिब है, अगर गमे हुसैन में आंखों से आंसू निकल जाए तो कसम खुदा की तुम्हारी आंखों की बिनाई में ज्यादती हो जाए।